गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर नया हम स्टार्ट कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट हम स्टार्ट करेंगे आज। अल्टरनेटिंग करंट, एक्चुअल में बच्चों हम करंट के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पूरा पढ़ चुके हैं। वहां पर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम पढ़ते थे वो करंट हम बैटरी के थ्रू जब हम प्रोवाइड कराते थे कहीं पर किसी सर्किट में, वो बैटरी के थ्रू प्रोवाइड होने वाली करंट होती थी, उसको हम DC यानी डायरेक्ट करंट बोलते थे। कोई रजिस्टर है उसके अक्रॉस हम बैटरी जोड़ते हैं, मीटर वगैरह जोड़ते हैं, की जोड़ते हैं, और ये रजिस्टर है और बैटरी के पॉजिटिव टू नेगेटिव एक करंट, यूनिडायरेक्शनल एक करंट फ्लो होती है जिसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। और इसका अगर हम ग्राफ देखें तो टाइम के साथ अगर हम 0 to T के लिए देखें तो इसका एक फिक्स ग्राफ बनता है ये, जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है। कहने का मतलब इसकी एक क्लियर वैल्यू होती है, जब स्टार्ट करते 0 से मैक्सिमम पे पहुंच जाता है तो पूरे टाइम पे वो उसी वैल्यू पे चलता रहता है, उसकी जो करंट की जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, जो अपना किसी भी कोई भी फ्लक्चुएशन अपना वैल्यू में नहीं दिखाता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अब इसके बाद हम जो अब हम पढ़ रहे हैं वो है अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेट क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इस चीज को देख रहे हैं। हमारे पास 4th chapter में मैग्नेटिज्म हमने जब पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था जब हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉयल को रखते हैं तो कॉयल क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, जब कोई कॉयल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है, सपोज ये कॉयल है और ये कॉयल मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो रोटेट करने से वहां पर जो जैसे हम AC जनरेटर आपके पास टॉपिक आएगा, वहां पर एक EMF जनरेट होता है। EMF जनरेट होने से करंट प्रोड्यूस होता है, जो AC जनरेटर का एक थ्योरी भी है, उसका वर्किंग जो अब जब आप पढ़ेंगे तो इस चीज को क्लियर वो हो जाएगा कि जब कॉयल मूव करती है तो उसकी वजह से करंट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो उसको समझिए कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी चीज को रखते हैं उसका जो क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है एरिया के साथ लिंक होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पर बनता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम टू टाइम क्या होता है चेंज होता है तो वहां पर एक चेंजिंग अपोजिंग EMF इंड्यूस होता है और वो EMF क्या करता है करंट को प्रोड्यूस करता है अगर वहां पे आप एक सर्किट कंप्लीट करते हैं तो। ये थ्योरी हमारे पास फैराडे से लेकर लेंज लॉ और अभी तक हमारे पास ये सब चीजें हमने मैग्नेटिज्म से होके पढ़ी हुई है। तो अब जो हम आगे दूसरा एक टाइप ऑफ करंट पढ़ने वाले हैं वो जो है वो जो करंट है वो दूसरी करंट है हमारे पास, इससे बिल्कुल अलग करंट है वो, और वो है आपके पास अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग कहने का मतलब आप समझ सकते हैं वर्ड से ही, अल्टरनेट कहने का मतलब है जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, अपनी वैल्यू को लगातार क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, चेंज कर रहा है। अगर मान के चलिए ये हमारे पास एक्सिस है और यहां से इस एक्सिस में हम टाइम लेके चलें तो जब हम पाएंगे इस करंट में अल्टरनेटिंग करंट में तो ये ऐसी नहीं होगी जैसे अभी तक हम उसकी बात कर रहे थे डायरेक्ट करंट की बात कर रहे थे कि वो उसका वैल्यू सीधा ऐसे डायरेक्ट होगा, ये ऐसा नहीं होगा। इसकी वैल्यू कभी जीरो भी होगी, कभी मैक्सिमम पे भी जाएगा, कभी मिनिमम पे भी आएगा, इस तरीके से। ठीक है, सपोज मान के चलिए किसी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट जो है 10 एम्पियर का फ्लो हो रहा है तो ये क्या करता है, देखिए जैसे पेंडुलम होता है ना वो अपनी मेन पोजीशन से क्या करता है टू एंड फ्रो क्या करता है ऑसिलेट करता है, वैसे ही यहाँ पर चार्जेस भी ऑसिलेट होते हैं, अपनी मेन पोजीशन के दोनों तरफ ऑसिलेट होते हैं। जब वो दोनों तरफ ऑसिलेट होते हैं तो सपोज देखिए करंट बनती है, पहले जीरो पे था, जीरो से ये फिर 10 एम्पियर पे गया और 10 एम्पियर से फिर जीरो पे, फिर जीरो से 10 एम्पियर अपोजिट डायरेक्शन में और 10 एम्पियर से फिर जीरो पे, ये ऑसिलेशन हुआ चार्जेस का सर्किट में। तो होता क्या है एक्चुअल में, जब टाइम इसका आगे बढ़ता रहता है तो टाइम के साथ साथ इसकी ये इस तरीके का ये ग्राफ बनाता है, ये एक ग्राफ बनता है, और इस ये जो ग्राफ बनता है जिस करंट का बनता है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया, ये इसका नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया,
जब ग्राफ में हम चेक चेक कर रहे हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, इस तरीके की जो करंट, इस तरीके का जो वेव फॉर्म होता है जिस करंट का, उस करंट का नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट। उसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जो अपनी वैल्यू को लगातार चेंज करते रहता है। ओके, इस करंट के लिए देखिए, जब हमने कहा था ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ का जो ईएमएफ की जब जो इंड्यूस होता है ईएमएफ, ईएमएफ का जो वैल्यू होता है ई इज इक्वल टू आता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब एक्चुअल में देखिए होता क्या है कि क्वाइल जब मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो देखिए इस तरीके से रहेगा कि अगर ये है तो ये पहले इस तरीके से था, ठीक है, ऐसे है ये। अब ये ऐसे मूव करेगा अगर, तो ये 90 पे हो गया, 90 डिग्री मूव कर गया। फिर ये अगर ऐसे मूव करता है तो 180 डिग्री मूव कर गया। फिर ये ऐसे मूव करेगा तो 270 डिग्री मूव कर गया। और फिर ये अगर ऐसे आता है तो 360 डिग्री मूव कर गया। यानी कि अगर हम देखें इसका, तो ये सर्कुलर मोशन में होता है उस टाइम पे। और जब सर्कुलर में वो मोशन में होता है तो आपको पता है वहां पर थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी। एंगुलर वेलोसिटी अगर पर सेकंड चेंज हो रही है तो टी टाइम में कितना एंगुलर वेलोसिटी, कितना वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका आता है, वो होता है ओमेगा टी। तो यहां पर थीटा की जगह हम यूज करते हैं ओमेगा टी। ये तो रहा ईएमएफ। अब अगर हम करंट निकालना चाहें, एक्चुअल में करंट होता क्या है, करंट का वैल्यू होता है I इज इक्वल टू E अपॉन R। क्योंकि जब कॉइल हम मूव कर रहा है तो हम उसका सर्किट जब बनाएंगे, सर्किट में रेजिस्टेंस जब हम रखेंगे, तो उस रेजिस्टेंस का कुछ ना कुछ इफेक्ट ईएमएफ पे होगा। तो I इज इक्वल टू E अपॉन R, ये ओम्स लॉ से हम जानते हैं। तो I इज इक्वल टू E अपॉन R है, तो E की वैल्यू हो गई यहाँ पे E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। ओके, और E नॉट अपॉन R जो होता है उसे हम लिखते हैं I नॉट। E नॉट अपॉन R को हम लिखते हैं I नॉट, और यहाँ पे साइन ओमेगा T। I नॉट जो होता है, I नॉट इस करंट की इंस्टेंटेनियस जो ये टी टाइम पे करंट फ्लो हो रही है, इसकी एक पीक वैल्यू होती है। I नॉट मतलब पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम इसमें देखें तो ये देखिए I, ये जो करंट है ये अपने आपको लगातार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और इस टाइम पे देखिए यहाँ पर इस वाले में ये मैक्सिमम वैल्यू पे यहाँ पे पहुंच गया। तो ये जो वैल्यू होगा इसे हम बोलते हैं इसका आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू। ठीक है, फिर से ये धीरे धीरे कम हुआ, इस तरीके से ये कम होता है, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट कर देता है। यहां पर ये फिर से अपने पीक वैल्यू पे पहुंचा, ये भी इसका पीक वैल्यू हुआ। फिर ये धीरे धीरे घटने लगा और फिर से अपनी इनिशियल पोजिशन पे आ गया। तो इस तरीके का जो ये ग्राफ होता है, साइनोसोइडल ग्राफ हम उसको बोलते हैं, और ये ग्राफ किसका होता है, अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ होता है। ओके, यहां पर कुछ टर्म्स हमें समझने होते हैं, जैसे सबसे पहली बात एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू। कोई भी हमारे पास जो इसका करंट का जो पीक वैल्यू होता है उसको हम उसका एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू बोलते हैं। और एम्पलीट्यूड जो होता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मैक्सिमम वैल्यू जहां पर अटेन करता है उसको हम बोलते हैं उसका एम्पलीट्यूड। और पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ये आई नॉट वाला जो है ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। ओके, दूसरा टर्म इसमें आता है टाइम पीरियड। ओके, तो कोई भी करंट जो अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, वो कितना जो टाइम पीरियड जो इसका हम लेते हैं वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन इसका एंगुलर वेलोसिटी से लेते हैं। तो टाइम पीरियड जो आता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। कहने का मतलब है कि जब वो जो आपका क्या कहते हैं कॉयल है उसने एक कंप्लीट चक्कर पूरा करने में, कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में कितना टाइम लिया उसका टाइम पीरियड होगा। देखिए कैसे, मान के चलिए कॉयल ऐसा था, फिर ये ऐसा मूव हुआ मैग्नेटिक फील्ड में, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो अभी आपने एक कंप्लीट साइकिल पे आ गया, तो इस कंप्लीट साइकिल को पूरा करने के लिए उसने कितना टाइम यूज किया, कितना टाइम लिया, उसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट का टाइम पीरियड। और वो होता है आपका कितना, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओके, अब यहां पर दूसरा जो टर्म आता है उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, साइकिल पर सेकंड। अब देखो इसमें फर्क क्या है, उल्टा है। ये क्या कह रहा है कि एक साइकिल को पूरा करने में कितना टाइम, ठीक, और ये कह रहा है कि पर सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो 1/T आ जाता है, 1/T आएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा।
ये इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। आइन जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना होगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओके, ये तो था थ्योरिटिकल बेस, अब इसको समझते हैं हम इसका प्रैक्टिकली। जैसे हम अपने घर में जो हम हमारे पास करंट हम यूज़ करते हैं, जो लाइट हम यूज़ करते हैं, जो करंट हमारे पास आता है वो हमारे पास अल्टरनेटिंग फॉर्म में होता है, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग फॉर्म में होता है तो उसका फ्रीक्वेंसी हमें पता होना चाहिए कितना होता है। जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आती है वो होता है 50 साइकिल पर सेकंड। यानी कि इसको समझने वाली बात, सपोज आपके घर में एक बल्ब है वो लगातार ग्लो कर रहा है, ठीक है, वो ग्लो करता जा रहा है और आप जो है उसको लगातार देखते जा रहे हैं, लेकिन आपको ये कहीं पर भी नहीं लगेगा कि वो कहीं पे बुझ भी रहा होगा। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, 50 साइकिल पर सेकंड कहने का मतलब है कि एक साइकिल, अगर कोई भी कंपोनेंट एक साइकिल पर सेकंड करता है तो एक सेकंड में एक साइकिल कहने का मतलब है कि अल्टरनेटिंग करंट अपनी मीन वैल्यू से पहले इधर गई, मैक्सिमम हुआ, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया अपनी इनिशियल पोजिशन पर। यानी कि ये पूरा करके, ये एक साइकिल पूरा करके, एक साइकिल पूरा करके ये बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो अल्टरनेटिंग करंट आपके घर में है वो 50 साइकिल, कहने का मतलब है कि 50 बार तो वो मैक्सिमम पे पहुंच रहा है और 50 बार वो अपनी इनिशियल पोजीशन यानी जीरो पे पहुंच रहा है। मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, ये 50 बार कर रहा है। इसका मतलब एक सेकंड में वो 100 बार एक्शन करता है और 100 बार का जो एक्शन, बुझना जलना बुझना जलना ये चलता रहता है, ये इतना फास्ट एक्शन होता है कि हम जनरली इसको चेक नहीं कर पाते, देख नहीं पाते अपनी आंखों से कि वो जल भी रहा है और बुझ भी रहा है। आई चीज समझ में? तो 50 साइकिल पर सेकंड हमारे पास जो है वो इंडिया में हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है किसकी, अल्टरनेटिंग करंट की, जो हमारे घरों तक पहुंचती है। ओके, ये था आपके पास। ओके, अब इसके बाद है जो आगे एवरेज वैल्यू, कितना एवरेज वैल्यू होता है एसी का। अच्छा, उससे पहले एक दो इक्वेशन और समझ लेते हैं। जैसे आई इज इक्वल टू हमारे पास आई नॉट साइन ओमेगा टी है ना, ये इक्वेशन है अल्टरनेटिंग करंट का, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा। तो ये इक्वेशन, ये भी चेंज हो जाएगा, साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में भी आ सकती है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन ये भी है, अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन ये भी है, ठीक। चलिए अब इसमें हम समझते हैं कि एवरेज वैल्यू किसी भी जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है किसी सर्किट में उसका एक्चुअल में एवरेज वैल्यू होता क्या है, ठीक है, और कितना होता है वो हम समझते हैं। बाय फिगर अगर इसको हम चेक करें तो देखिए ग्राफ से ही हमें पता चल जाता है कि अगर हम इसका ग्राफ देखें ये, ठीक, तो जितना ये एक डायरेक्शन में जा रहा है उतना ही ये अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहा है। इसकी पॉजिटिव साइकिल, इसकी नेगेटिव साइकिल, तो आपको पता होना चाहिए एवरेज कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट साइकिल पे एसी का जो अल्टरनेटिंग करंट का जो एवरेज वैल्यू होता है वो जीरो होता है। अब उसको समझिए कैसे हम इसको करते हैं। सपोज मान के चले किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है और करंट है आपके पास आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट है, ठीक है। अब करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, करंट फ्लो होने का मतलब है कि पर सेकंड वहां पे क्या है, चार्जेस क्या है उस सर्किट में मूव करते जा रहे हैं। अगर मान के चलिए डीटी टाइम है और उस टाइम स्मॉल टाइम डीटी में जो चार्जेस हैं वो फ्लो हो रहे हैं डीक्यू, तो टोटल चार्जेस कितने फ्लो हो रहे हैं, डीक्यू इज इक्वल टू आई डीटी, आई इज इक्वल टू डीक्यू अपॉन डीटी होता है ना, इंस्टेंटेनियस करंट हम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। डीक्यू इज इक्वल टू आई डीटी, आई का यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें तो डी क्यू इज इक्वल टू आई, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है और यहाँ पे है डी टी। स्मॉल टाइम में अगर अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में फ्लो हो रही है, स्मॉल टाइम डी टी में जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह उस सर्किट में, वो आपके पास है कि डी क्यू इज इक्वल टू इतना,
अगर हम टोटल कंप्लीट साइकिल की बात करें और उस कंप्लीट साइकिल में कितना चार्ज, हम ये कहें कि कितना चार्ज वहां पर जो है वो फ्लो हो रहा है, तो टोटल चार्ज अगर हम इसका कंप्लीट साइकिल में देखें तो कैसे निकाल सकते हैं, क्यू को, क्यू की वैल्यू तो इंटीग्रेट कर सकते हैं हम डी क्यू को, और कितने पे, जीरो टू टी, कंप्लीट साइकिल अगर हम टाइम देखें जीरो टू टी, ठीक है, तो जीरो टू टी पे ये डी क्यू को इंटीग्रेट करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू का वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपके पास जीरो टू टी और आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब Q इज इक्वल टू I नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा जीरो टू T और साइन ओमेगा T dt। अब साइन ओमेगा T जो है उसका इंटीग्रेशन कितना होता है ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इलेवेंथ तो आपका मैथ्स में आपके पास इंटीग्रेशन अगर है तो वहां पर आपने ये पढ़ा होगा, साइन ओमेगा T का जो इंटीग्रेशन होता है Q इज इक्वल टू I नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, इस तरीके से इंटीग्रेशन होगा और लिमिट रहेगा जीरो टू टी, ये इंटीग्रेशन होता है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो ये क्यू का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपके पास माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा और अंदर आपके पास बचेगा कॉस ओमेगा और जीरो टू टी, ओके। अब यहां पर Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, ये आ जाएगा, ठीक है, और अंदर इसको अगर हम चेंज करें कॉस ओमेगा इज इक्वल टू कितना आया था टू, क्योंकि T इज इक्वल टू टू पाई अपॉन ओमेगा है तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा टू पाई अपॉन T इंटू टी और लिमिट है जीरो टू टी, समझे इसको, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही टू पाई अपॉन टी, क्योंकि हमें पता है टाइम पीरियड क्या होता है टी इज इक्वल टू टू पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा इधर चल जाएगा तो ओमेगा इक्वल टू टू पाई अपॉन टी, ओके। अब हम लिमिट को अगर अप्लाई करें यहां पर तो क्यू इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा और कॉस टू पाई अपॉन टी इंटू जो t है ये t आ जाएगा एक टाइम पे ये तो माइनस जीरो यहाँ आएगा तो cos जीरो हो जाएगा, ओके, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा और cos 2 पाई, cos यहाँ पर बच जाएगा 2 पाई और यहाँ पे बच जाएगा cos जीरो, और आपको पता है cos 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा और cos 2 पाई आपके पास 1, cos 0 भी 1 और 1 माइनस 1 जीरो, तो चार्ज कितना हुआ जीरो, ठीक है। अब चार्ज जीरो हुआ तो करंट कितना होगा, एवरेज करंट इज इक्वल टू Q अपॉन टाइम T, और Q जीरो है तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा एवरेज करंट, यानी कि कंप्लीट साइकिल में जो है एवरेज करंट जो होता है किसका अल्टरनेटिंग करंट का वो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, एसी का वैल्यू जो है एक फुल कंप्लीट साइकिल पे क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं, इस तरीके से भी ये पूरा आपके पास डेरिवेशन है और इस तरीके से भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है, ये काम आता है हमारे पास आगे बोर्ड में, ठीक है। और इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, सीधी सी बात है, हाफ पॉजिटिव ऊपर है हाफ नेगेटिव ऊपर, कंप्लीट साइकिल पे कितना एवरेज बनेगा, सिंपल सी बात है जीरो, अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे वन और माइनस वन है तो दोनों का एवरेज जीरो हो जाएगा, ओके। तो ये आपके पास जो क्या कहते हैं वैल्यू ऑफ ए सी, एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी ओवर वन कंप्लीट साइकिल, ये इसका टॉपिक है, एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी ओवर वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल पे जो वैल्यू है ए सी का वो क्या होता है जीरो होता है, ठीक है। ये हम यहाँ पे समझ चुके हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं आगे के लिए, ठीक है, आपके नोट्स के लिए काम आएगा, इसको आप नोट करिए। ओके, अब समझते हैं हम
आर एम एस वैल्यू, आर एम एस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, होता क्या है, ठीक है, आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी, ए सी का आर एम एस वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी कितना आता है, किस तरीके से उसका जो आगे एवरेज वैल्यू के साथ या पीक, सॉरी पीक, पीक वैल्यू और आर एम एस वैल्यू का क्या रिलेशन रहता है वो हम समझेंगे, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास एक सर्किट है और उस सर्किट में हमने रेजिस्टेंस एक रजिस्टर एक जोड़ा हुआ है और उसके साथ एक बैटरी लगाई हुई है पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, और यहाँ में जो आपके पास आपको पता है कि जब करंट फ्लो होगा किसी रजिस्टर के अक्रॉस तो रजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, वहाँ पे हीट जनरेट होती है, और सपोज इस रजिस्टर के अक्रॉस इस करंट के फ्लो होने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई वो होती है आई स्क्वायर आर टी, मान के चले किसी टाइम में, ठीक है, किसी टाइम में जो है इस रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट हीट प्रोड्यूस हुई वो है आई स्क्वायर आर आर टी। अब हम क्या करते हैं, सोर्स को चेंज करते हैं, सोर्स को चेंज करने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर ये लगा देते हैं, एक्चुअल में ये जो सिंबल है ये सिंबल है आपका अल्टरनेटिंग करंट का, ये वाला ये एसी का सिंबल होता है बच्चों, ठीक है, और सेम रजिस्टर यहाँ पर है। तो अब समझने वाली बात यहाँ पर है कि आर एम एस वैल्यू क्या होगी, आर एम एस वैल्यू वो वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट की जो अगर किसी रजिस्टर के अक्रॉस फ्लो कराई जाए तो वही सेम टाइम के लिए तो वही हीट प्रोड्यूस करेगी जो इस सर्किट में जब हम डीसी करंट को क्या करा रहे थे, प्रोड्यूस करा रहे थे, सेम हीट प्रोड्यूस करने के लिए जितना एसी का वो वैल्यू लगेगा उस वैल्यू को हम बोलेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। तो ये हीट भी इतनी ही होनी चाहिए, सेम हीट सेम टाइम एसी और डीसी दोनों को अलग अलग, तो ध्यान रखिए आरएमएस वैल्यू क्या होगा, डीसी वैल्यू का वो जितना डीसी पे किसी रजिस्टर का रजिस्टर के अक्रॉस हीट प्रोड्यूस होती है उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी सेम टाइम पे जिस वैल्यू से, उस वैल्यू को हम बोलेंगे एसी का आरएमएस वैल्यू। दोबारा से सुन लो कि जब हम किसी सर्किट में डीसी करंट वाले सर्किट में क्या करते हैं, बैटरी जोड़ते हैं, उसके अक्रॉस हमारे पास जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस अगर हीट इतनी प्रोड्यूस हो रही है किसी टाइम में, तो उतने ही टाइम में अगर हम यहाँ पर क्या जोड़ें, इस आर के अक्रॉस इस एसी को जोड़ें, तो वो वैल्यू एसी की वो वैल्यू जो सेम टाइम में उतना ही हीट प्रोड्यूस कर सके, समझ गए इस चीज को, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जितना इसमें डीसी करंट, डीसी की वो वैल्यू जो इतना हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं टाइम टी में, ठीक, उतना ही वैल्यू किसका, एसी का, जो सेम टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस कर सके उस वैल्यू को हम बोलेंगे एसी का आरएमएस वैल्यू, ठीक। तो ये आपके पास समझने वाली बात है कि आरएमएस वैल्यू हम किस तरीके से कैसे हम मतलब मानते हैं, ठीक। अब वो कितना टाइम है, मान के चले कंप्लीट टाइम, कंप्लीट जितना इसका एक साइकिल, इस एसी का एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है उतने में ही ये इतना हीट प्रोड्यूस करता है, तो उस कंप्लीट साइकिल की हम बात करेंगे, उसमें कितना वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस कंप्लीट साइकिल में जितनी वैल्यू आएगी एसी की उस वैल्यू को हम बोलेंगे उसका आरएमएस वैल्यू। और वही चीज ध्यान दीजिए, वही चीज जो हम आज हम अपने घर में यूज कर रहे हैं करंट का, जो वैल्यू हम बोलते हैं ना 220 वोल्ट टू 440 वोल्ट हम यूज करते हैं अपने घर में, ठीक है, तो वो होता क्या है एक्चुअल में, वो 220 वोल्ट आपके पास क्लियर नहीं होता है एसी का, क्योंकि एसी चेंज करता है। अब हम हमारे पास उसका हम देखें तो क्लियर कहने का मतलब पीक वैल्यू, पीक वैल्यू कितना होगा, वो जो घर में हमारे पास 220 वोल्ट आता है उसका पीक वैल्यू नहीं है, वो क्या है, उसका आरएमएस वैल्यू, समझ गए। तो ये हमारे पास है कि जितना डीसी में हीट प्रोड्यूस होता है सेम टाइम पे उतने ही टाइम पे एसी जो है, एसी की वो वैल्यू जो उतने ही टाइम पे सेम हीट प्रोड्यूस कर सके उस वैल्यू को हम बोलते हैं उसका आरएमएस वैल्यू। क्लियर हो गया, ये हमारे पास था आरएमएस वैल्यू। अब जो रिलेशन है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन इफेक्टिव एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी, इफेक्टिव, अच्छा इफेक्टिव कहने का मतलब है आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू को हम इफेक्टिव भी बोलते हैं भाई, ठीक है, तो आई इफेक्टिव भी हम इसको लिखते हैं,
और ठीक है आई आर एम एस भी हम इसको लिखते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, आई वी भी हम इसको लिख सकते हैं कभी कभी, आई वी, देखिए आई इफेक्टिव, आई आर एम एस, आई वी, ये तीन है, आई वी और आई एवरेज ए वी, इन दोनों में फर्क है बच्चों, आई वी और आई ए वी ये अलग है। तो आर एम एस वैल्यू जो होता है इसी का, उसको हम आई इफेक्टिव भी लिखते हैं, आई आर एम एस भी लिख सकते हैं, आई वी भी, और आई ए वी जब लिखते हैं तो एवरेज वैल्यू होता है, दोनों में फर्क है, ठीक है। अब देखिए टॉपिक है रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशन हम निकालेंगे, उससे पहले हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए करंट फ्लो हो रही है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, किसी टाइम टी में करंट फ्लो हो रही है किसी सर्किट में, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और स्मॉल टाइम डी टी के लिए, इस करंट के फ्लो होने से स्मॉल टाइम डी टी के लिए जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल टाइम dt, तो ये क्या हो जाएगा, dh मान के चलिए आई स्क्वायर आर dt, हीट प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल टाइम dt, स्मॉल टाइम में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो है dh इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर dt। अब अगर हम चाहें स्मॉल टाइम में, देखिए ये एसी है, ये समझिए इसको इस तरीके से कि ये है अल्टरनेटिंग करंट, अब जीरो टू टी कंप्लीट साइकिल पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। स्मॉल टाइम मतलब यहाँ की हम बात कर रहे हैं, इस टाइम तक मान के चले इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट टाइम टी के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या जो हमारे पास वैल्यू होगा उसके लिए कितना हीट वो प्रोड्यूस करेगा, तो ओवर कंप्लीट साइकिल हम लिखेंगे यहां पर, ओवर कंप्लीट साइकिल ये आएगा h, कैसा निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एच जीरो टू टी, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर वन, ठीक है यहां पर, ठीक है। ये अब पहले तो हमने निकाला इसके लिए कि dh इतने में इतनी हीट, dh जो हीट प्रोड्यूस हुई इतने में, अब टाइम बढ़ा टाइम बढ़ा टाइम बढ़ा, टोटल टाइम यहाँ तक आते आते उसने कितना हीट प्रोड्यूस किया वो हमने मान लिया यहाँ पर, वो कितना आया, ये h इज इक्वल टू आई इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी आई स्क्वायर आर dt, ओके। अब हम ये समझते हैं, कंडीशन ये है, इफ आई आर एम एस बी द इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है। तो टी पूरे टाइम में ये करंट आईआरएमएस जो इसकी आईआरएमएस वैल्यू है, करंट की आरएमएस जो वैल्यू है वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगी, तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय इफेक्टिव वैल्यू या आईआरएमएस मान के चलते हैं, ठीक है। कितना होगा जो हमारे पास हीट है, h इज इक्वल टू, अब i की जगह पे, यहाँ पे जो i आ रहा है, i की जगह पे हम क्या मान लेंगे, आई स्क्वायर सॉरी आई आर एम एस मान लेंगे, i की जगह आई आर एम एस स्क्वायर r, और टाइम आपका t, कंप्लीट टाइम t, ठीक है। h जो आएगा आई आर एम एस के लिए वो आएगा आई आर एम एस स्क्वायर r t, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस पूरे टाइम टी के लिए ये हीट है और इस टाइम टी के लिए हीट है, दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो हीट को इक्वल करेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, देखिए आई आर एम एस स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू जीरो टू टी आई स्क्वायर आर डी टी, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आई आर एम एस स्क्वायर टी, अच्छा टी यहां चला जाएगा, इज इक्वल टू
वन अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी आई स्क्वायर डी टी, हार गया ना, ठीक है। और तो आई आर एम एस क्या होगा, आई आर एम एस होना चाहिए रूट स्क्वायर, यहां चला जाएगा वन बाई टी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी और किसका आई स्क्वायर डी टी का, ठीक। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड मान लीजिए, नाम देखिए क्या है, आई रूट मीन स्क्वायर। अब समझिए रूट मीन टाइम का डिवाइड आ गया और स्क्वायर आ गया, समझ में। आई आई की जो आई का करंट का जो एक्चुअल वैल्यू है आई आर एम एस, मतलब आर एम एस वैल्यू क्या होना चाहिए, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन और स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास जो मेन है इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले जीरो टू टी आई स्क्वायर डी टी, जीरो टू टी आई का वैल्यू ये रहा यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड डी टी। अब साइन स्क्वायर साइन ओमेगा टी का तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताओ, डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हम कर नहीं सकते, डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो है हम नहीं कर पाएंगे, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, ये आएगा हमारे पास आई नॉट स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं और ये जीरो टू टी आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे वन माइनस कॉस टू थीटा ओमेगा टी है टू ओमेगा टी, ठीक है, अपॉन टू डी टी। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, क्योंकि कॉस टू थीटा क्या हो जाएगा इसका, अगर हम देखें आपके पास आपने ये मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ये आ रहा ना साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला एक्चुअल में होता है ना ये टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा, तो कॉस टू थीटा कितना हो जाएगा कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होता है, ये आपने कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूले पढ़े होंगे, ठीक है, इलेवेंथ वगैरह में, ठीक है बच्चों। तो यहां से कॉस टू थीटा इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा था, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, तो वहीं पे हमने थीटा क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी है तो हमने उसको लिया है वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू, ओके। टू को बाहर लेके आ जाते हैं हम, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू और ये आ जाएगा जीरो टू टी वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी और डी टी तो बाहर से मल्टीप्लाई होगा, है ना। इसको हम अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें डी टी को तो ये आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू और जीरो टू टी डी टी माइनस जीरो टू टी कॉस टू ओमेगा टी और डी टी, ये इसको अंदर इसके अंदर मान के चलिए। अब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू और जीरो टू टी डी टी को जब हम सॉल्व करेंगे तो डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा और टी का जो लिमिट लगाएंगे तो टी माइनस जीरो, ये तो सॉल्व हो गया यहीं पे, ठीक है। माइनस इसको हमें करना है तो कॉस टू ओमेगा टी का जो क्या होता है इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा, तो ये आ जाएगा साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा, ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और इस पे जो है इस वाले पे ये तो ये यहाँ पे इसको मान के चलिए ये वाला तो यहाँ पे ख़त्म हो गया और ये बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे और ये बड़ा ब्रैकेट लग गया और इस पे लग गया आपका उल्टा हो रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ी दोबारा से समझते हैं कि ये वाला तो टी आ गया इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू और ये वाला आ गया आपके पास टी माइनस जीरो, ये तो आ गया,
ये तो हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है ओके। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, इसका आएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और इस पे हम अलग से लिमिट लगाएंगे 0 टू टी, और ये खत्म हो गया हमारा, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक। अब टी माइनस 0 तो टी आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ये तो टी आ गया, माइनस इसको जब हम सॉल्व करेंगे बाहर 1 अपॉन 2 ओमेगा आ गया, 1 अपॉन 2 ओमेगा आ गया, तो इसको हम जब हम अंदर सॉल्व करेंगे तो रहेगा अंदर क्या, साइन 2 ओमेगा टी, और लिमिट लगेगा 0 टू टी, ये फाइनल ब्रैकेट, इसको इतना समझिए, माने ये 2 ओमेगा बाहर आया, ठीक है। अब देखिए साइन 2 ओमेगा टी जब हम इसको निकालेंगे, एक्चुअल में ये हमारे पास जो वैल्यू आएगा इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये आपके पास, अब तो बोर्ड भर गया, ये पहला वाला आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो आगे इसको समझिए। देखिए इस वाली वैल्यू से आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 दिख रहे हैं, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 और अंदर है टी माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा तो है, अब समझिए साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 और ओमेगा कितना होता है 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, ये तो हुआ, ठीक है, और ये लगा 0 टू टी, और ये पूरा ब्रैकेट बंद, 2 इंटू 2 4 पाई हो जाएगा यहाँ पे, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 टी माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, साइन 4 पाई अपॉन टी और इंटू टी, और ये आ जाएगा 0 टू टी। अब हम लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है, अब हम इसमें लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चों I नॉट स्क्वायर अपॉन 2 टी माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा, और वो आपके पास आएगा जब T को अप्लाई करेंगे 4 पाई अपॉन T, इस T की जगह पे आएगा T, और जब 0 अप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा साइन 0 बस, और ये ब्रैकेट क्लोज। T से T कैंसिल, यहाँ साइन 4 पाई बचेगा, एक्चुअल में पता करिए साइन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, जल्दी से बताइए मेरे को, 1 अपॉन 2 पाई, साइन 4 पाई का वैल्यू, साइन 4 पाई साइन 4 पाई का वैल्यू बताइए बच्चों जल्दी से, आपको पता होना चाहिए पाई, ये 2 पाई 4 पाई 6 पाई 2 एन पाई, अगर हम लेते हैं 2 प्लस एन 2 पाई प्लस 2 एन प्लस 1 पाई वाला अगर लेते हैं तो जो ये आता है हमारे पास 4 पाई 6 पाई 2 पाई, इस तरीके से ये सब जीरो होता है, तो ये आपके पास जीरो माइनस यहाँ पे साइन जीरो जीरो हो जाएगा ओके। तो आप देखिए ये वाला टर्म पूरा जीरो हो गया, हमारे पास एक्चुअल में बचा क्या, यहाँ पे बचता है आई नॉट स्क्वायर टी अपॉन 2, ये वैल्यू बचता है, ये किसका है, ये इस इंटीग्रेशन का वैल्यू है जो हमने इक्वेशन नंबर 3 में देख रहे थे, ठीक है। तो आई नॉट स्क्वायर टी अपॉन 2 ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब एक्चुअल में हम इक्वेशन नंबर 3 की बात कर रहे हैं इसके बाद, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, फ्रॉम 3 क्या है, देखिए आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 बाय टी, और इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या है, आई नॉट स्क्वायर टी बाई 2, आई नॉट स्क्वायर टी बाई 2 ये है, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू, अगर अंदर देखिए अंडर रूट के अंदर बच रहा है सिर्फ आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब ये आई नॉट स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, I नॉट अपॉन 2, I नॉट क्या है,
पीक वैल्यू ऑफ द एसी, ठीक है, और आईआरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो क्या रिलेशन हुआ? रिलेशन सीधा सीधा आता है कि जो आरएमएस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जो इफेक्टिव वैल्यू है करंट का, वो पीक वैल्यू का डिवाइड बाय रूट टू होता है। और इसको अगर हम देखें, इसको सॉल्व करें, तो ये आता है 0.707 आई नॉट, ये इतना आता है। तो ये करंट है, तो आरएमएस ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू भी आपके पास ई नॉट अपॉन रूट टू के बराबर आएगा, और इसका जो पीक वैल्यू के साथ रिलेशन होगा 0.707 ई नॉट के बराबर होगा। तो ये था आपके पास बच्चों, आपके पास अल्टरनेटिंग करंट से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और पीक वैल्यू के बीच का रिलेशन। थैंक यू।